228 रनों से हारने वाली टीम को इतनी बड़ी बड़ी बातें करना थोड़ा सा शोभा कम देता है। तो मुझे लगता है अभी हम लोग 228 रन से हारे हो यार, कम से कम यही कह दो कि हमारा चांस है। मैं नहीं वो देखो आपने वो रन बनाए थे दो दिन में, हमसे आप एक्सपेक्ट कर रहे एक दिन में बना के ये भी तो देखो ना लेकिन इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच है ये वर्ल्ड कप का। एक बार एक्सपर्ट से फिर से पूछ लेते हैं कि एक्स फैक्टर उनको क्या लग रहा है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, अगर एक एक खिलाड़ी जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं हमारे एक्सपर्ट्स की वो कौन सी हैं। शुरुआत करूंगा वसीम भाई से। वसीम भाई आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक्स फैक्टर कौन हो सकता है दोनों टीमों की तरफ से। देखिए पाकिस्तान की बात करता हूँ तो आई थिंक इट हैज टू बी बाबर, क्योंकि दैट्स द बेस्ट चांस वी हैव कि बाबर इस मैच के अंदर परफॉर्म करे, और वो जब शो करे बड़ा शो कर सकता है, और उसके अराउंड जो हमारे बैट्समैन हैं वो चल सकते हैं। लेकिन एक्स फैक्टर वैसे अगर मैं कहता हूँ तो अब्दुल्ला ने जैसे इनिंग्स के लिए थी उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। बॉलिंग में जो मुझे नजर आ रहा है डेफिनेटली आई विल बैट ऑन शाहीन आफरीदी कि वो रिदम में वापस आएंगे। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट भी कोई दी है जी कि मैं 5 विकेटें लेके फिर कुछ सेल्फी बनाऊंगा, कुछ चल रहा था सोशल मीडिया पे ऐसा, तो इट मींस कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल आला है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो उसमें तो वो डाउट नहीं है कि कोहली, क्योंकि उसका रिकॉर्ड ऐसा है कि बस हम यही है कि उसको आउट कर लें तो हम मैच जीत जाए। तो वहां पे कोहली और बॉलिंग में डेफिनेटली, और बॉलिंग में मैं ज्यादा करूंगा कुलदीप को, क्योंकि नया बॉल फिर हम मैनेज हो जाता है। हम बुमराह की अगर बात करते हैं लेकिन उसकी वेरिएशंस हमारे प्लेयर से जो पिक नहीं होती मिडिल ओवर्स में, वो एक्स फैक्टर इंडिया की तरफ से हो सकता है बॉलिंग में। सकी भाई हाँ नहीं एक एक एक्स फैक्टर नहीं है, दो दो ठीक है। आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से शाहीन और दूसरा जो है बाबर से ड्यू है, और बाबर जो है जो उसका माइंडसेट है और जिस तरह से वो उसके अंदर एक तड़प है एक भूख है, और आई थिंक वो ये टाइम है कि वो प्रूव भी दे और बॉक्स को टिक भी करे। आई नो कि बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार अभी तक उसकी वो उस तरह चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, बट हमें पता है उसका इंटरनली कि उसका माइंडसेट क्या है और किस तरह का कैरेक्टर है। वो गिव अप नहीं करता, वो रिजल्ट वगैरह को नहीं देखता इतना ज़्यादा, बट वो उसका जो हार्ट एंड सोल जो वो डालते हैं आई थिंक कल उसने कर दिया, तो वो एक्स फैक्टर हो सकता है। इंडिया की तरफ से जो है मैं बुमराह और विराट कोहली ही कहूँगा, ये दोनों एक्स फैक्टर हैं, बाकियों को ये आराम से झेल लेते हैं। बुमराह जिस अंदाज से उसने कम बैक किया और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, आई थिंक इस वक्त दुनिया में कोई बॉलर उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा इस वर्ल्ड कप में जी। और जिस तरह का वो नया गेंद करते हैं या पुराना गेंद करते हैं डेथ में आते हैं, और विराट कोहली का तो बस उसका एक नाम ही काफ़ी है, जिस अगर वो कुछ करे ना करे एक्स फैक्टर उसका रहता ही है। फील्ड में भी रहे तो तब भी उसका एक्स फैक्टर रहता है, पूरी टीम को उठा के रखता है। तो आई थिंक विराट कोहली बुमराह बाबर एंड शाहीन। बिल्कुल मुझे लगता है इस वाले मैच में हार्दिक पांड्या के पाकिस्तान के साथ है कुछ प्यार मोहब्बत है कि उनके खिलाफ हमेशा अच्छा करता है, तो हार्दिक पांड्या अपना एक रोल, वसीम ने बड़ी अच्छी बात की है वो कुलदीप यादव को लेकर, तो ये तो भारतीय नाम हो गए। पाकिस्तान की तरफ से जो एक्स फैक्टर्स हैं उनको मैं एक्स फैक्टर, बिल्कुल सही है कि आप सबने वही नाम पिक किए हैं जिन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में उतना अच्छा नहीं किया है, तो ये बात कंफर्म्ड है कि अगर ये अच्छा नहीं करते हैं तो फिर तो गेम बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो शाहीन आफरीदी और बाबर आजम डेफिनेटली अगर पाकिस्तान को इस मुकाबले में कम्पीट करना है, भारत को हराना है, अगर उस सोच के साथ जाना है, तो फिर इन दोनों से परफॉर्मेंस जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं बॉल हाथ से नहीं निकली और बाबर के रन नहीं बने एक बार फिर ये मैच रिजवान और हसन अली मिलकर नहीं जिता सकते हैं, तो ये बात तो कंफर्म्ड है। आकाश आपसे एक और चीज भी पूछती थी, आकाश आपसे एक और सवाल भी करना था, वो ये है कि वीक लिंक, वैसे तो इंडिया की पूरी टीम ही जब पाकिस्तान के खिलाफ होती थी मैदान में तो पूरी टीम 11 के 11 वीक लिंक बन जाते, लेकिन कल के मैच में आप किसे वीक लिंक देते दोनों साइड्स पे। प्लीज समर भाई आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, समर भाई आपसे आपकी बात खत्म करने से पहले सॉरी सवाल आज ड्रॉप आ जाए फिर जरा आगे करते हैं सवाल, आप सवाल भी सुनेंगे जरा। हां नहीं बताइए वीक लिंक क्योंकि ना बाकी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई ऐसा है कि एक ऐसा बॉक्स है जो टिकना हो रहा हो। शार्दुल ठाकुर हम कह रहे हैं कि शायद खेलेंगे, लेकिन हो सकता है मोहम्मद शामी खेल जाए। अगर मोहम्मद शामी खेलते हैं, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, शामी इसी पिच पे एक्चुअली बहुत बार खेलते हैं गुजरात के लिए आईपीएल में और बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो अगर भारत उस जगह चला गया तो फास्ट बॉलिंग में आपको शार्दुल ठाकुर भी नहीं दिखेंगे, दोनों स्पिनर अच्छी कर रहे हैं, तो एक सिर्फ ईशान किशन लग रहे हैं जो
अभी तक उतना अच्छा नहीं कर पाया है, पर उस बच्चे ने भी ओडीआई में डबल सेंचुरी मारी है, तो बच्चा वो भी बड़ा होनहार है, पर ये फिर भी कह सकते हैं चलो लेफ्ट आर्म पे शायद थोड़ी दिक्कत हो, सो दैट इज द ओनली वन एक एरिया ऑफ कंसर्न, पर अगर वो जल्दी आउट हो गया तो फिर विराट आ जाएगा तीन पे। बिल्कुल, चलिए तो टाइम अब कम है रैप करने का, ये टाइम आ गया है इस शो को, यहां से भी जरा वीक लिंक जान लो, फिर इस शो को रैप एक एक कमेंट जरा वीक लिंक पे, वैसे तो वो बात हो गई है कि इंडिया की पूरी टीम ही वीक लिंक का, जरा पाकिस्तानी साइड पे जरा जी सके भाई। आई थिंक ये जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो वीक लिंक है वो डिसिप्लिन है, अगर डिसिप्लिन को अगर बरकरार रखेंगे तो ये सारे जितने भी खिलाड़ी हैं इनके अंदर इतना कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है कि ये अकेले मैच को साइड पे लेके जा सकते हैं, और इन्होंने किया हुआ है। मैं इनके साथ 1.5-2 साल रहा हूँ, इनके साथ काम किया है, और तकरीबन 10 के 10 जो है ना प्लेयर वो सारे के सारे मैन ऑफ द मैचेस इन्होंने हासिल किए हुए हैं और मैच जितवाए हुए सिंगल हैंडेडली। तो हमारा जो वीक लिंक है वो सिर्फ डिसिप्लिन का है, अगर हम लोग डिसिप्लिन अच्छा डिस्प्ले कर दें तीनों फॉरवर्ड पे तो ये सारे जो है खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। देखिए पाकिस्तान की बात करते हैं जो एरिया जहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तो ओपनिंग पार्टनरशिप, सेकंड ओपनर, वो हमारा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम एरिया है, और स्पिन डिपार्टमेंट, ये दो एरिया ऐसे हैं जिसपे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंडिया को देखते हैं कुछ हद तक मैं आकाश से भी इस पर एग्री हूँ कि शान किशन, लेकिन मेरी नज़र थोड़ी श्रेयस अय्यर के ऊपर भी है कि वो भी जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे वो भी वो हो सकते हैं। और दूसरा फास्ट बॉलिंग में अपार्ट फ्रॉम बुमराह, आई थिंक इंडियन जो बॉलिंग लाइनअप है उसको आप उस तरह रेट नहीं करेंगे जिस तरह आप बुमराह को रेट करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के बैट्समैनों के जेन में ये चीज़ें भी होंगी कि शायद हम बुमराह को विकटें ना दें, हम शार्दुल के ऊपर अटैक करें या सिराज के ऊपर या शामी जो भी खेलते हैं उनके ऊपर अटैक करें। और बाकी स्पिन में प्रॉब्लम सिर्फ कुलदीप बालैया जो वेरिएशन के साथ है, बाकी अगर अश्विन खेलते हैं या इवन साथ में जडेजा खेलते हैं वो इतने ज्यादा कभी भी इफेक्टिव पाकिस्तान के अगेंस्ट रहे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पाकिस्तान की तरफ से जो वीक लिंक है वो वैसे वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भी है, क्योंकि भाई पाकिस्तान 7 मैच हार चुका है वर्ल्ड कप में, और जो 8वां मैच होगा उसकी हार भी पाकिस्तान को रहेगी याद, क्योंकि ये मैच इंडिया और पाकिस्तान का होने वाला है अहमदाबाद। थैंक यू सो मच। एक और चीज और बोलता हूँ जाते जाते, समर भाई आपके लिए स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूँ, आपके लिए समर भाई, समर भाई के लिए डेडिकेट, यू आई लव यू बिकॉज़ आई लव यू। समर टीम इंडिया ने हरा दिए कंगारू, टीम इंडिया ने हरा दिए कंगारू, आने वाले दिनों में हराएंगे कीवी। अरे वाह 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 वाह, टीम इंडिया ने हरा दिए कंगारू, आने वाले दिनों में हराएंगे कीवी, जब हार जाएगी पाकिस्तान इंडिया से, समर भाई तोड़ना मत टीवी। प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम करेंगे दोबारा अगर हारता है इंडिया, करेंगे दोबारा प्रोग्राम करेंगे दोबारा अगर हारता है इंडिया, परेशान ना हो जाओ, आप सबको खिलाएंगे भिंडिया। शुरुआत में कहा था कि लतीफा है इनके पास, ये वाला ये नहीं आया था, ये तीसरा आया था। पर थैंक यू सो मच अभी भाई, ये शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग की तरह की बात बनी नहीं है। पर यार जिस तरह के ये डॉलर्स देके पता नहीं 2 हफ्तों से शायर इकोनॉमिक करवा रहे हैं, हम भी तो प्रोग्राम के दौरान फिल्म बदी चला रहे हैं। पर इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है, वैसे दूसरी तरफ से जो शेर और शायरी हो रही है ना, वो हमारे एक शायर थे, वो उनको बड़ा शौक था मेरी तरह, वो कहते बकरी चढ़ी पहाड़ पे बल्ले भी बल्ले, वो सब कहते थे अब पता नहीं अगला कौन सा मिसरा आने वाला, बकरी चढ़ी पहाड़ पे बल्ले भी बल्ले, ते बकरी लती पहाड़ तो बल्ले भी बल्ले। लेकिन बल्ले बल्ले होने वाली है इंडिया और बल्ले बल्ले होने वाली है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ये जो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है ये होने वाला है अहमदाबाद में, और क्योंकि ये मैच है इन अहमदाबाद, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये 8वीं हार भी रहेगी याद। थैंक यू सो मच हम न्यूज की तरफ से, थैंक यू सो मच हम न्यूज से हमारे साथ जुड़ने के लिए, समर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स का, तो थैंक यू सो मच समर भाई जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच चयन आपका, और अभिषेक मनचंदा आपका, प्रशांत कपूर आपका, और आकाश चोपड़ा आपका, आपने ज्वाइन किया जी न्यूज़ के स्टूडियो से। यकीनी तौर पे कल दोनों मुल्कों के क्रिकेट शायकीन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, टीमों के लिए तो है ही है, लेकिन शायकीन के लिए बड़ा दिन इसलिए होता है कि वो इस दिन कोई काम नहीं करते, दोनों मुल्कों के अंदर
सब जिंदगी बिल्कुल रुक जाती है, थम जाता है सारा कुछ, सबकी नजरें होती है टीवी स्क्रीन के ऊपर, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में टीवी सेट्स बचेंगे और भारत में टूटेंगे कल के मैच में, चुके पाकिस्तान की तरफ से भारत को बुरी तरह शिकस्त दी जाएगी। बहुत शुक्रिया सुखी भाई आपने ज्वाइन किया और मजे भाई आपने ज्वाइन किया, आई होप कि आपने भी इस ट्रांसमिशन को बहुत एंजॉय किया होगा जी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। तो हम न्यूज का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आकाश भाई आपका भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया अभिषेक और प्रशांत का भी जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। Zee News.